हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जाके देखोगे मैंने एक कॉल साइट का एंट्री लिया है। क्या देखते हुए एंट्री लिया है, सारे लॉजिक डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। क्या देखते हुए हमने आज का दिन के लिए पोजीशन बनाया है, क्या लॉजिक था इसका पीछे में, सारे चीज डिटेल्स में बताऊंगा आपको। बताया जो मैं रिस्क टू रिवार्ड पे काम करता हूँ, 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड पे काम करना पड़ेगा सर, नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल बनना है, देखो एक दिन दो दिन बिन प्रॉफिटेबल बन के कोई फायदा नहीं है, आपको मंथ एंड पे जाके प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मंथ एंड पे जाके प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक ही चीज है सर, 1:1 पे काम करोगे तो नहीं बन पाओगे, आपको 1:2 करना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में मार्केट कुछ भी हो जाए, आपको 1:2 करना ही पड़ेगा। रेजिस्टेंस ये अगेन रेजिस्टेंस, यहां पे जाके देखोगे 3 बार रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। मैंने एक चीज आपको काफी बार एक्सप्लेन करके रखा हूं, मार्केट का ऑप्शन का चार्ट के पहला डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, सेकेंड बार भी काफी बार ब्रेक नहीं कर पाता है, थर्ड बार जब आता है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। तो यहां पे जाके देखोगे ये था हमारे पहली बार आया था मार्केट पे डे हाई बनाया था ऑप्शन चार्ट में, यहां पे पहली बार, यहां पे सेकेंड टाइम और यहां पे थर्ड टाइम। मार्केट यहां पे क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम आया नीचे आ गया, सेकेंड टाइम आया अगेन नीचे आ गया, फर्स्ट टाइम नीचे आ गया, सेकेंड टाइम नीचे आ गया, थर्ड टाइम क्या करेगा, हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए यहां पे, इस टाइप का नहीं करना चाहिए, यहां पे छोटा सा रिट्रेसमेंट करके इस टाइप का मोमेंटम करके हुए मार्केट हमारे टारगेट को दे सकता है। इसी प्रेडिक्शन का बेसिस पे जाके हमने पोजिशन को बनाया, इसी प्रेडिक्शन का हिसाब से हमने यहां पे जाके पोजीशन क्रिएट किया है। अभी देखोगे मार्केट में काफी बड़ा गिरावट देखने को मिला है और अगेंस्ट मार्केट के अंदर डाउनफॉल गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिला है, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसके बाद अगेन डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ट्रेड लिया है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेडर्स देखोगे काफी बेहतरीन मोमेंटम हमारे फेवर में चल रहे थे, लगभग हमारे प्रॉफिट भी था वो 30,000 के आसपास पहुंच गया था, छोटा सा के लिए हमारे टारगेट नहीं आया, फिर जाके कॉस्ट पे आया, कॉस्ट पे आने के बाद फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोग क्या करेगा सर, 30,000 का प्रॉफिट देखते हुए प्रॉफिट को बुक कर लेगा, लेकिन ये सर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे जाके प्रॉफिट को बुक कर लेने से क्या होगा, काफी बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। देखो ऑप्शन बाइंग के लिए रिस्क टू रिवार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मान के चलो किसी दिन आपने लॉस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट वाले दिन फिर से आप 1:2 ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देखोगे मेरे को, देखो 30,000-32,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है, लेकिन हमने बुक नहीं किया है सर। हमने क्यों बुक नहीं किया है, मेन रीजन है क्या, मेन रीजन है मेरे को 1:2 चाहिए, 1:2 नहीं मिलेगा तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला हूं, मैं एसएल लेने के लिए रेडी हूं। इसका चलते मेरा 4-5 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा दिन भी आया जाएगा कंटिन्यू 5 डेज टारगेट हिट, तब 1:2 का हिसाब से देखोगे तो आप इजीली सक्सेस पे आ जाओगे। तो एक दिन का प्रॉफिट से कुछ नहीं होता है सर, एक दिन में आप प्रॉफिट बना लिया है, नेक्स्ट दिन सारे गवा दिया है बिना 1:2 फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, आप लॉस पे ही रहोगे। तो उसी हिसाब से देखोगे मेरे को 30,000 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, मैंने बुक नहीं किया है, मेरा रूल्स में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, 1:2 मतलब 1:2 जब तक अचीव नहीं होंगे तब तक मैं पोजीशन को काटूंगा नहीं, भले मेरा वहां से 10-20 पॉइंट के लिए मार्केट घूम जाए, घूम के आके एसएल खा ले तब भी वेट करेंगे, लेट्स वेट करते। ट्रेडर्स देखोगे लगभग हमारे एसएल लेवल्स के पास ही आ चुका है, लगभग एसएल के पास ही आ चुका है, थोड़ा सा उम्मीद जाग रहा है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन वगैरह आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा। लगभग एसएल लेवल्स के पास ही आ चुका है, एकदम एसएल लेवल्स के पास आना स्टार्ट हो चुका है, वेट करते हैं थोड़ा सा। लगभग देखोगे ये जोन पे हमारा एसएल है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया सर, चलो ये और जाएगा नहीं सर, चलो एसएल हिट हो गया
तो मैं यहां पे पोजिशंस को स्क्वायर अप करता हूं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं क्या लॉजिक पे हमने आज पोजिशन बनाया था और कहां पे गलतियां हुआ है, पूरा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं लॉस को बुक करके उसके बाद अपडेट करता हूं, ठीक है सर। ट्रेडर्स देखोगे मार्केट तो हमारा टारगेट नहीं दिया, और यहां से जाके देखोगे यहां तक लगभग 70 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मोमेंटम किया था, और जो टारगेट हमारा था इस लेवल्स का तो लगभग 22-25 पॉइंट के लिए हमारे टारगेट नहीं दिया, और वहां से जाके मार्केट क्या किया इस लेवल्स के देखोगे छोटा सा पॉइंट के लिए मार्केट टारगेट नहीं दिया है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर उसको। मार्केट ऊपर गया है, जाके फिर कॉस्ट पे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जाके हमारे जो एसएल लेवल्स था एसएल लेवल्स को हिट कर दिया, तो वहां पे जाके हमने हमारा लॉस भी बुक कर लिया है। टोटल देखोगे आज का दिन में जो लॉसेस हमने बुक किया है 24,000 का मैंने आज का दिन के लिए लॉसेस आज बुक किया है। हाँ, थोड़ा सा ट्रेड कहां पे लेना चाहिए था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो कि इस लेवल्स के आसपास एक अच्छा सा कवर अप कैंडल मिला था, लेकिन यहां पे तब मैंने सिस्टम पे था नहीं, अभी थोड़ा सा मैंने शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है, थोड़ा सा मेरा काम चल रहा है ऑफिस का, तो उसीलिए डेली जाना पड़ता है, तो उसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है सिस्टम में बैठने के लिए। मंडे से मैं फ्री हो जाऊंगा एकदम। यहां पे जाके मैंने व्यू अपसाइड का क्यू बनाया था, वो भी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे जाके देखोगे बैंक निफ्टी पहला 15 मिनट कैंडल का लो के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, मैंने क्या बताया था जब लो के ऊपर ट्रेड करेगा तब कॉल साइड का आप व्यू बना सकते हो, कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहां पे जाके एक छोटा सा आप ट्रेड लाइन भी बनाओगे तो यहां पे जाके देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहे थे, मार्केट इसी ट्रेड लाइन को सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, इन टाइप का पैटर्न क्रिएट किया, तो यहां पे जी जाके अच्छा पोजिशन बन सकता था, लेकिन तब मैं सिस्टम में था नहीं। उसके बाद टारगेट कहां था, पीवीएस जो स्विंग था वो पीवीएस स्विंग तक हमने टारगेट बना सकते थे, उसी हिसाब से ट्रेड एक ले सकते थे, लेकिन हमने टाइम उस टाइम था नहीं, तो आज का दिन में हम 24,000 का बुक किया।